नहीं वो काटे कर दी कन्नी होंडा ने सबकी पतंगे काट दी भाई, एक ही झटके में काट दी, एक ही झटके में काट दी एलिवेट ने। एलिवेट ऐसे एलिवेट हुई है भाई, बिना ढील दिए हुए ऐसा ऐसी खिंच मारी है कि सारी पतंगे दोस्तों एलिवेट ने सबको जो है एलिमिनेट धो के रख दिया। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज हम दोनों रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो है भाई ब्रांड न्यू होंडा की एलिवेट गाड़ी के ऊपर। देखो एलिवेट के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में हम होंडा एलिवेट के प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दोस्तों प्राइजेस आर आउट नाउ, सारे वेरियंट के एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस जो है आउट हो चुके हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। पिछला हमने होंडा एलिवेट का जो फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो डाला था उसको बहुत आपने प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द इसका ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है, बिल्कुल आज ड्राइव हो जाएगी और एक दो दिन में उसका रिव्यू भी डल जाएगा। तो खुशी की बात यह है कि होंडा ने बड़ी डिसेंट प्राइसिंग लॉन्च कर दी है कुछ ही देर पहले। उम्मीद नहीं थी इस चीज की कि इतने अच्छे प्राइजेस जो है होंडा एलिवेट के होंगे। हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम 11 लाख से 16 लाख एक्स शोरूम प्राइस जो है होंडा एलिवेट का लॉन्च किया, बहुत ही बढ़िया प्राइस है और क्लैप है इनके लिए होंडा के लिए कि एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए इन्होंने ऐसे प्राइस ब्रैकेट में इन्होंने गाड़ियां लॉन्च की हैं जो कि मुझे उम्मीद भी थी कि इतनी ही प्राइसिंग दक्षिण लॉन्च कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि इसका टॉप मॉडल दिल्ली में ऑन रोड 20 लाख के आसपास का होगा, 20-20.5 लाख का, लेकिन कितने का है दिल्ली के अंदर ऑन रोड? 18.5 लाख के आसपास। बताओ यार 18.5-18.5 लाख का ऑन रोड, 18.5 के आसपास ऑन रोड है। जो इसका बेस मॉडल है वो 12-20 के आसपास जो है, मतलब 12 लाख के आसपास जो है इसकी इंश्योरेंस वगैरह में नेगोशिएशन कर करा के ये 12-10-12 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ता। तो यार इस सेगमेंट की 1.5 सबसे ज्यादा नेचुरली एस्पिरेटेड, सबसे बढ़िया इंजन, सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है होंडा एलिवेट के अंदर। सबसे बड़ी बात ही गाड़ी दिखने में काफी बड़ी लगती है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी सी पिद्दी सी लग रही है, जैसे एस्टर हो गई, टाइगून को वगैरह हो गई, जो छोटी सी दिखती है गाड़ी दिखने में काफी, मतलब रोड प्रेजेंस अच्छी खासी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने पहले भी कहा था MG हेक्टर के साइज की गाड़ी है वो, देखने में ऐसा लगता है कि काफी ह्यूज, काफी बल्की गाड़ी है वो। दोस्तों होंडा ने क्या दाव खेला, ध्यान से सुनना, ये दाव ही है। होंडा सिटी का एक शोरूम प्राइस बेस मॉडल को 11,57,000 रुपए है, इन्होंने 58,000 उससे भी नीचे लॉन्च किया है। होंडा सिटी से भी सस्ती जो है होंडा ने एलिवेट निकाल के तबाही मचा दी है, जिस चीज की भाई साहब मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं ये सोच रहा था 50,000 महंगी होगी, इन्होंने 50,000 रुपए सस्ती निकाल दी है और होंडा सिटी के टॉप मॉडल से। होंडा सिटी का जो एक्स शोरूम प्राइस है टॉप मॉडल का होंडा सिटी का प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है 16,05,000 रुपए और इन्होंने 16 लाख रुपए के अंदर वो निकाल होंडा के कमाल कर दी। सस्ती और बेस मॉडल 50,000 रुपए सस्ता। सिटी और एलिवेट की बात करें तो एलिवेट कहीं ना कहीं 5-10,000 रुपए सस्ती भी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, ब्रांड न्यू रोड प्रेजेंस है, फ्रेश लुक्स है, इंटीरियर होंडा सिटी से काफी ज्यादा प्रीमियम है, तो भाई इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्या हो सकता है, एडास वगैरह सब मिल रहा है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये बहुत सारी गाड़ियों में डंट मारने वाली है एलिवेट, मेरा याद होगा आपको डायलॉग वेट फॉर एलिवेट में बार बार बोलता रहा, शॉर्ट्स में भी डाले, वीडियो के अंदर भी बोला कि एलिवेट की वेट कर लेना, जल्दबाजी मत करना। देखो वही किया होंडा ने, इतनी जबरदस्त प्राइसिंग, मतलब इन्होंने एकदम कैप्चर करनी है दक्ष मार्केट। सेल्टोस का जो IVT वेरिएंट है HTX वो आपको 1660 एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है, 1660, यानी कि इन्होंने बाकी कंपनियों के जितने भी मॉडल आते हैं इनकी टक्कर में सबसे 50,000 रुपए गाड़ी जो है नीचे रख दी है। इस चीज के लिए बिग थम्स अप है होंडा को कि मार्केट को कैसे सस्टेन किया जाता है, एक बड़ी गाड़ी, एक ऊंची फूंची दिखने वाली गाड़ी, अच्छे इंजन के साथ, अच्छे ट्रांसमिशन के साथ, सब कुछ अच्छे फीचर्स के साथ, इंटीरियर इतने बढ़िया, सब कुछ इतना बढ़िया, रोड प्रेजेंस इतनी बढ़िया, ब्रांड न्यू गाड़ी, सब कुछ नया, फीचर्स वाइज वेरिएंट वाइज जो है स्क्रीनशॉट डाल दिए जाएंगे कि किस किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर अवेलेबल है, पॉज करके आराम से पढ़ना, आराम से उनको देखते रहना। अब बात करते हैं कि इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है V वेरिएंट, यानी कि बेस से एक ऊपर वाला, चाहे आप वो मैनुअल, वो कितने का पड़ रहा है? आप अगर चाहे वो मैनुअल ले लो,
सिर्फ और सिर्फ 14 लाख, सही बात है, 14 लाख के अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर काम के सभी फीचर्स हैं, मैनुअल के अंदर 14 लाख का मिल रहा है। और दोस्तों मजे की बात देखो, सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए के डिफरेंस में, यानी कि 15-10 के आसपास जो है इसका सीवीटी वेरिएंट वी के अंदर मिलेगा, सबसे वैल्यू फॉर मनी। तो दोस्तों फीचर्स पे मत चले जाना, अगर आपको गाड़ी चाहिए, देखो पता क्या होता है दक्ष, अगर इंजन दोनों में फर्क है ना, टॉप मॉडल और बेस मॉडल्स के अंदर, तो आप इंजन की वजह से मॉडल चूज कर सकते हो, बट अगर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि आपको ये एडास नहीं चाहिए, एडास बेसिकली किसी काम का नहीं है, सनरूफ नहीं चाहिए, तो दोस्तों वी वेरिएंट आंख बंद करके इसको उठा लेना, वी फॉर विक्ट्री, हमारी रिकमेंडेशन वी वेरिएंट। बेस मॉडल से एक ऊपर वाला बेस लेने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होता बेस वेरिएंट के अंदर, थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं। अगर आप लाख रुपए और स्पेंड कर सकते हो तो ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक वी वेरिएंट का ऑटोमेटिक, बाकी वेरिएंट्स आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से। अच्छा, तो इसका टॉप वेरिएंट भी बहुत सुंदर है, वो भी ले सकते हैं अगर बजट है, अगर आपका बजट है, लेकिन जबरदस्ती बजट बढ़ाकर मत लेना कि मुझे टॉप मॉडल ही चाहिए कुछ फीचर्स के लिए, सबसे वैल्यू 18 लाख 25 हजार के आसपास दिल्ली के अंदर वो ऑन रोड आएगा, आप अपनी स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। 16 लाख का उसका शोरूम प्राइस लॉन्च किया, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, 20-25 हजार पे प्राइस और बढ़ जाएंगे इसके कुछ टाइम में, तब भी ये बाकी कंपनियों से नीचे ही पिच करेंगे दक्ष इसको जो है। दोस्तों हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इसके कॉम्पिटिशन में और गाड़ियां देख रहे हो, लाइक क्रेटा, सेल्टॉस, एस्टर, टाइगून, कुशाक, तो आपको वो सारी गाड़ियां छोड़ के होंडा की एलिवेट लेनी चाहिए, सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है, आंख बंद करके ले सकते हो, सेफ प्ले है, इंजन रिलायबल है ही है, सेफ आपको क्रेटा सेल्टॉस से ज्यादा ही देखने को ये गाड़ी मिलेगी। कोई कार एंथुजियास्ट हो तो आप VW के 1 लीटर पे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर आराम से गाड़ी चलानी है, लंबी रखनी है, मन की शांति चाहिए, तो भाई साहब होंडा एलिवेट इज अ विनर प्रोडक्ट। मैं पहले भी बोल चुका था दक्ष की ये बहुत अच्छी मार्केट बनाने वाली है, लेकिन इन्होंने जो प्राइसिंग लॉन्च की है, प्राइसिंग एक्सीलेंट, वंडरफुल। अगर ये प्राइसिंग को 6 महीने तक अगर इंक्रीज नहीं करते तो ये ऐसे टेक ऑफ करेगा, ये ब्रांड जो है ऐसे उठाएगा, ये गाड़ी ऐसी उठाएगी होंडा को एलिवेट, और हम चाहते हैं कि होंडा की ये गाड़ी उठे, जिससे कि होंडा की एक अच्छी कंपनी इंडिया के अंदर सर्वाइव करती रहे और हमें और अच्छे गाड़ियां जो इनकी देखने को मिले। तो सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स को, नहीं तो धीरे धीरे जैसे बाकी बड़े ब्रांड छोड़ के चले गए इंडिया को, ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी। आप जरूर इसको सपोर्ट करना, ड्राइव रिव्यू भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच, यही था आज का वीडियो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको दबा देना, आपको ऐसे ऐसे वीडियोज और देखने को मिलेंगे। Take care.